हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 10 DIYs कर्टन टाई बनाने के। कैसे हम घर पे रखी हुई चीज़ों से ही अपने पर्दों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज का DIY वीडियो शुरू करते हैं। पहले DIY के लिए ली है मैंने इस तरह की एक डोरी और ये कुछ ऑर्नामेंट्स जो क्रिसमस के टाइम पे बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये क्रिसमस के टाइम से ही मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इनको ही यूज़ करूँगी। तो इन बेल्स को मैंने इस तरह से इस डोरी में पिरो लिया एक एक करके, और जब ये तीनों बेल्स पिरो कर तैयार हो जाएगी तो मैं इस डोरी की दूसरी एंड पर इस तरह से गांठ लगा दूँगी। अब इन सारी बेल्स को मैंने मूव कर दिया है दूसरी एंड पे ताकि जो मैंने गांठ या नॉट लगाई है वो हाइड हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और नॉट लगाऊंगी जिससे ये बेल्स इंटैक्ट हो जाए और अपनी जगह से हिले ना। तो बस हो गया हमारा पहला कर्टन टाई तैयार। तो अब देखिए कर्टन पे लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लगा। सेकेंड कर्टन टाई बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक डोरी में ये वाइट मोती पिरो लिए और इनकी दोनों एंड पे दो की चैन टाई कर दिए ताकि ये मोती भी सिक्योर हो जाए और दो एंड्स भी मिल जाए। अब इस तरह का एक ब्रॉच मेरे पास रखा हुआ है, आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये चूज़ किया क्योंकि इसमें एक मोती लगा हुआ है सेंटर में और ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। तो अब बस हमें इस स्ट्रिंग को इस तरह से इस ब्रॉच की पिन में डाल के कर्टन के अराउंड टाई कर देना है। तो हो गया हमारा कर्टन टाई तैयार और ये पर्ल्स की वजह से बहुत ही प्यारा और एलिगेंट लगा। तो ये देखिए कर्टन पे लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगला कर्टन टाई मैंने बनाया नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग चीज़ को ही यूज़ किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी नेकलेस आपके पास पड़ा हो जो रफ़ एंड टफ हो और जिसका कुछ ना बिगड़ना हो, उसको भी आप इस तरह से कर्टन टाई की तरह यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये एक रखा हुआ था मेरे पास वुडन नेकलेस जो मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ, और अगर ये इस पे टाइड भी रहा तो ये वॉश किया और बिल्कुल साफ़, ना इसके कलर जाने का डर ना कुछ और। तो इस नेकलेस को भी हम कर्टन टाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगले DIY के लिए मैंने लिया है ये एक सॉफ्ट टॉय। ये नॉर्मली सभी के घरों में बच्चों के सॉफ्ट टॉय होते हैं, तो ये छोटा सा टेडी मैंने यहाँ यूज़ किया है। आप कोई भी सॉफ्ट टॉय अपने घर पर रखा हुआ यूज़ कर सकते हो। कर्टन टाई बैग बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह की एक इलास्टिक स्ट्रिंग और कोई भी एक बिग साइज़ का बटन। तो ये इलास्टिक स्ट्रिंग हम इसकी एक साइड में इस तरह से स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से, या आप चाहो तो इसे स्टिच भी कर सकते हो, और दूसरी तरफ हम स्टिक करेंगे या स्टिच भी कर सकते हो इस तरह से इस बटन को। तो बस जब ये बटन और ये इलास्टिक स्ट्रिंग टाई होके तैयार हो जाएगी तो ये बन गया हमारा कर्टन टाई बैग। ये बड़ा ही क्यूट बना है और ऐसे सॉफ्ट टॉय से बने हुए कर्टन टाई बैग आप बच्चों के कमरों के डेकोरेशन और कर्टन्स को टाई बैग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगले DIY के लिए मैंने ली है इस तरह से एक पुरानी CD और ये एक डिस्कार्डेड पेंट ब्रश जो मैं आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। तो अब इस CD को हम कट कर लेंगे। CD को इजीली कैसे कट किया जाता है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हो। अब जब मेरी ये CD
इस तरह से सेंटर से गोल राउंड शेप में कट कर तैयार है। तो अब इसको मैं एक टेप से कवर कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक टेप का यूज़ किया है। मेरे पास काफ़ी तरह की टेप्स और रिबन्स रखे हुए थे, तो इनमें से ही एक फैब्रिक टेप मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो आप किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो इसको कवर करने के लिए। इस तरह की फैब्रिक टेप इजीली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। ये बच्चों के क्राफ्टिंग वर्क में इस्तेमाल होती है। इसको स्टिक करना बहुत ही इजी है। इसके नीचे एथेसिव लगा हुआ होता है, हमें बस इसके नीचे का पेपर रिमूव करते जाना है और इसको इस तरह से लपेट कर चिपका देना है। अब मेरी सीढ़ी कवर होकर तैयार है। अब मैं कर लूँगी अपने ब्रश को भी इसी फैब्रिक टेप की हेल्प से पूरी तरह से कवर। तो इस तरह से मैंने ये टेप इसके अराउंड लपेट कर अपने इस ब्रश को भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है और इसकी एंड को मैं सिक्योर कर दूंगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो अब मेरी ये सीढ़ी और ये ब्रश रैप होकर रेडी है। अब इसको डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैं इस पर लगाऊंगी एक ऑर्नामेंट। तो ये भी एक क्रिसमस ऑर्नामेंट मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं इस तरह से इस ब्रश के अराउंड टाई कर दूंगी और टाई करने के बाद हो गया मेरा अगला कर्टन टाई बैग तैयार। तो कर्टन पे लगाने के बाद ये देखिए ये इतना प्यारा लगा। अगले टाई बैग को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये फोम का हार्ट। इस तरह के फोम के टॉयज़ हम खुद भी DIY कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए जिसमें मैंने रीयूज़ करके कुछ पुराने कपड़ों को इस तरह के फोम के शेप्स बनाए हैं। तो ये मेरे पास रेडीमेड रखा हुआ है। इसके आप चाहो तो आप मैक्रेमे या कोई भी डोरी टाई कर सकते हो। मेरे पास ये मोतियों की एक थोड़ी ओवरसाइज्ड माला रखी हुई है, तो इस माला को ही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इस माला को इसके अंदर टाई कर लिया और ये हमारा कर्टन टाई बैग तैयार है। अब इसको हम डायरेक्टली कर्टन के टाई कर सकते हैं। तो ये देखिए अगले DIY के लिए लेंगे हम इस तरह की कोई भी क्वायर, कोई भी कॉटन की रस्सी या इस तरह की रस्सी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके दोनों कॉर्नर्स को मैं इस तरह से गोल गोल करके ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूँगी, या अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो आप उससे भी इसे चिपका सकते हो, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्लू गन से ये इंस्टेंट चिपक जाता है। तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इन दोनों को इस तरह से रोल करके कॉर्नर्स को चिपका लिया है। अब ये रस्सी थोड़ी सी पुरानी थी, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए मैंने हल्के हल्के कलर के स्ट्रोक्स इस पर कर लिए हैं। तो बस हो गया अपना एक और कर्टन टाई बैग तैयार। तो कर्टन पे टाई करने के लिए बस एक गांठ लगा दें इसमें और ये देखिए। अगला कर्टन टाई सबसे ईजी है फ्रेंड्स। तो मैंने इसके लिए लिया है एक बड़ा बटन और ये इस तरह से एक पाइप क्लीनर, और इस पाइप क्लीनर को इस तरह से मैंने इस बटन के अंदर से क्रॉस कर लिया है। और क्योंकि ये पाइप क्लीनर एक वायर ही होता है, इसको हम इजीली ट्विस्ट करके कर्टन पे टाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सबसे ईजीएस्ट कर्टन टाई बैग। अगले DIY के लिए मैं लूँगी इस तरह से दो रोप्स, या आप मैक्रेमे ले सकते हो। तो ये मैंने छोटी कटिंग्स ली है, इतनी ही लंबी कि कर्टन के अराउंड इजीली टाई हो जाए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो इनको मैं ऐसे प्लेस करके एक दूसरे में से ऐसे ऊपर से फिर नीचे से ऐसे निकाल लूँगी और क्रॉस नॉट लगा लूँगी। सेम वे इस तरफ भी पहले ऊपर से लेंगे और फिर नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। अब इन दोनों को धीरे धीरे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करके सेंटर की तरफ हम एक
नॉट तैयार कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी नॉट तैयार है। इस रोप को हम अब अपने कर्टन पे टाई कर सकते हैं और फ्रंट की तरफ ये नॉट रखेंगे, जिससे एक ब्यूटीफुल लुक नज़र आएगी। तो ये देखिए, अगर आप चाहो फ्रेंड्स तो आप सिंगल की जगह डबल रोप लेकर भी इस तरह की नॉट बनाकर अपने कर्टन पे टाई बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगले DIY के लिए मैंने ये ली है 4 मैक्रेमे स्ट्रिंग्स और डबल करके ये 8 हो गई है। इनकी कॉर्नर्स पे इस तरह के पॉम पॉम हम स्टिक कर देंगे। तो ये सारी स्ट्रिंग्स पे हमें करनी है, सबकी कॉर्नर्स पे हमें इस तरह से ये पॉम पॉम स्टिक कर देने हैं। तो अब मेरे पॉम पॉम स्टिक होकर तैयार है। तो इन चारों की अलग अलग स्ट्रिंग करके इस तरह से हम कर्टन पे इनको टाई कर देंगे। तो देखिए ये कितना कलरफुल और कितना सुंदर इफेक्ट दे रही है। अगला टाई बैग जितना मेरा फेवरेट है उतना ही इसे बनाने में टाइम लगा। तो इसके लिए मैंने ली है इस तरह की कॉटन की रोप, और इस कॉटन की रोप को हम ऐसे हाथ पर 3 राउंड लपेट लेंगे। लपेटने के बाद ये 3.5 राउंड जब हो जाए तो इस राउंड को हम 2 फिंगर से अपनी ऐसे होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद ये जो रोप है एक्स्ट्रा रोप, इसको हम इसके अराउंड ऐसे लपेटेंगे और 3 राउंड बना लेंगे। तो ये जो इस तरह की नॉट मैं बना रही हूँ, इस नॉट को कहते हैं मंकी फिस्ट नॉट। तो ये इस तरह से 3 बार लपेट कर फिर मैं इसके अंदर से इस रोप के एंड को पास कर दूंगी। ये देखिए, ये ऐसे राउंड इसके पूरे कंप्लीट को कवर करके हमें ऐसे लपेटना है इसके राउंड, और इसके बाद इसका जो एंड है उसको इसके अंदर से ऐसे पास कर देना है। पास कर देने के बाद ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हैं इनके अराउंड मैं इसको फिर से 3 बार लपेटूंगी। तो ये देखिए, ऐसे मैंने नीचे से निकाला और फिर ऊपर से इसके अंदर से इसके एंड को हम पास करके ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर की साइड भी हम 3 बार लपेटेंगे। तो ये देखिए, ऐसे मैंने ऊपर से लिया और ये जो मेरी उंगली है इसके ऊपर ही अंदर की तरफ ही हम इसको मोड़ लेंगे। तो ये गलत हो गया था, बाहर की तरफ से चला गया है। ये हम ऐसे अंदर से लेके फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे। तो ये मैं 2-3 बार करूँगी अंदर भी। तो मैंने कोशिश की है कि तीनों तरीके से मैं 3-3 राउंड यहाँ लगाऊँ। तो अब ये 3-3 राउंड लगने के बाद ये जो मेरी नॉट है ये एकदम तैयार है। लेकिन ये नॉट जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसको एक कंप्लीट लुक देने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा बॉल। आप या तो छोटी सी प्लास्टिक की बॉल मिलती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि क्रिसमस का सामान है तो ये थर्मोकॉल की एक डेकोरेटिव बॉल मेरे पास रखी हुई है, मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो इस बॉल को हम बिल्कुल अंदर की तरफ इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे और फिर हम करेंगे इसको टाइटन अप। तो हम सिंगल सिंगल स्ट्रिंग खींच के इस तरह से इसको नॉट को टाइटन अप कर लेंगे, और जब ये नॉट बनकर तैयार हो जाएगी तो ये कुछ ऐसी नज़र आएगी। अभी भी इसमें जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बाहर है, या तो हम इसको अंदर करके स्टिक कर लेंगे या हम इसको भी टाइटन अप करके अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस रोप की दोनों एंड पे की है। इसके लिए हमें अच्छी खासी 2 मीटर की रोप लेनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए अपना कर्टन टाई बैग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।